नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की प्रमुख खबरें। इधर बिहार के राजगीर में पुलिस अवर निरीक्षक 2018 बैच के दीक्षांत समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भाग लिया। यहां बिहार पुलिस अकादमी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मिलित हुए। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जू सफारी राजगीर का भी भ्रमण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जू सफारी के परिभ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बातचीत की। नेचर सफारी तो पहले ही हुई, लेकिन सबसे पहले तो जू सफारी के बारे में तय किए हुए थे हम लोग, उसके बाद नेचर सफारी का सोचे थे, तैयार हो गए। अब जो जू सफारी है, इसमें एंट्री के लिए बाहर जो बिल्डिंग बनती है वही बन रहा है, तो हम देखने आए। और कई जो लोगों को, जैसे बाघ हो, शेर हो या और कोई भी हो, उसको भी कुछ कुछ ले आए हैं लोग। और उसके बाद जब वो बन जाएगा पूरे तौर पर, तभी इसको खोला जाएगा। वैसे तो आज हम लोग देख लिए, बाघ को भी देख लिया, बाहर था, शेर तो अंदर बैठा हुआ था, लेकिन देख ही लिए सब तरह का। लेकिन ये लोग ले आए हैं, कुछ और लाने वाले हैं। कब तक की संभावना है सर कि ये खुल सके? हमको लगता है कि 2-3 महीना तो इनको लगेगा। इधर जातीय जनगणना के मामले पर हम पार्टी के तरफ से बयान आया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, हमारे दल का मानना है कि जातीय जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो पहले संविधान विरोधी रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिन्होंने विरोध किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जब आप अपने नाम के आगे टाइटल अपनी जाति का लगाते हैं, तो फिर जातीय जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? क्यों आपको डर लग रहा है? क्या आपको इस बात की जानकारी लग गई है कि आपकी आबादी कम है और सत्ता में आपने भागीदारी ज्यादा ले ली है, इसलिए डर रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना का विरोध करने वाले लोग निसंदेह खुद को देश के संविधान के ऊपर समझते हैं। ये देशद्रोही हैं जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इधर मधेपुरा के कला भवन में जेडीयू जिला कार्य समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर बिहारीगंज विधानसभा से जेडीयू विधायक निरंजन कुमार मेहता के द्वारा किया गया। लोकसभा प्रभारी भगवान चौधरी यहाँ मौजूद थे, लोकसभा महिला प्रभारी बुलबुल कुमारी भी यहाँ मौजूद थी। मधेपुरा में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। पंच और सरपंच पद को छोड़कर बाकी सभी पदों पर ईवीएम मशीन से मतदान कराए जाएंगे। मधेपुरा जिले में 10 चरण में मतदान कराया जाएगा। जिले के 11 लाख मतदाता 2161 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। विभिन्न उम्मीदवारों के भाग्यों का फैसला हो सकेगा। पंचायत चुनाव को लेकर मधेपुरा के डीएम श्याम बिहारी मीना ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत की। पंचायत राज विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4/7/15 के तहत पंचायत आम निर्वाचन 2021 की घोषणा की गई, जिसमें मधेपुरा जिले में 10 चरणों में मतदान होगा। मधेपुरा जिले में प्रथम चरण में कोई मतदान नहीं होगा। द्वितीय चरण में मधेपुरा से ही मतदान चालू होगा और 11वें चरण में आलमनगर में मतदान खत्म होगा। मधेपुरा में 4,762 पदों पर निर्वाचन कार्य करवाया जाना है। मधेपुरा जिले की तकरीबन 20 लाख की जनसंख्या है और हमारे पास में 11 लाख वोटर्स हैं। उसमें ये 11 लाख वोटर 2161 मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करेंगे और अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। सासाराम में मूसलाधार बारिश ने पूरे नगर की स्थिति बिगाड़ दी है। सासाराम का सबसे मुख्य बाजार धर्मशाला रोड में भी 2 से 3 फीट तक पानी सड़क पर बहने लगा। आलम यह है कि सड़क किनारे सभी दुकानों में पानी प्रवेश कर गया तथा दुकानदारों को भी काफी नुकसान हुआ। धर्मशाला मोड़ के गांधी चौक से लेकर चौखंडी बाजार तक सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा था, जिससे नाराज दुकानदार बीच सड़क पर चौकी रखकर नगर परिषद तथा स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि जो धर्मशाला रोड का जो परिस्थिति है, एकदम बद से बदतर हो चुका है। धर्मशाला रोड के सभी दुकानों में पानी घुसा हुआ है, जिससे लाखों रुपये की संपत्ति जो है नष्ट हो चुकी है और दुकानदार भाइयों के जितनी भी यहाँ पर इनकम है उससे अधिक जो है नुकसान हो चुका है, जिससे दुकानदार लोग काफ़ी परेशान है और घर का जो खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। रोहतास जिला के अकबरपुर से खबर आई है, जहां रोहतास थाना के अकबरपुर में एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत की घटना हुई है। मृतक महिला का नाम विद्या देवी बताया जा रहा है, जो नावाडीह खुर्द के रहने वाली बताई गई है। चंदन राम की यह पत्नी थी।
परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये महिला जो है नवड़ी खुर्द के रहने वाली है। हाँ। अकबरपुर सपना हॉस्पिटल आज डिलीवरी कराने हैं। उसके साथ दो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा भी ठीक ठाक है। उसके बाद महिला मर गई। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग सदर हॉस्पिटल लाए। क्या करने? पोस्टमार्टम कराने। जमुई में लंबे अरसे के बाद नक्सलियों ने आज चुप्पी तोड़ी। पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र की हत्या के बाद यहां दहशत का माहौल कायम हो गया है। यह घटना जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोंगी पंचायत के बड़ा टांड गांव की बताई जा रही है, जहां नक्सलियों ने देर रात करीब 1 बजे में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना स्थल पर पर्चा छोड़कर नक्सली फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना स्थल पर पुलिस पदाधिकारियों की टीम पहुंची, आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सूचना मिला था, ये विगत रात जो है लगभग 11 बजे कुछ शरारती तत्व जो कि नक्सल के नाम पे यहाँ पे इस गांव में आए, पूर्व में वो नक्सली रहे हैं, आए और अर्जुन हेमरम और चतुर हेमरम को घर से निकाला। ये 12 जोर गांव पड़ता है, चकड़ी थाना का जो है बोंगी पंचायत के अंतर्गत आता है। उनको घर से निकाला और मुखबिरी के नाम पर जो है उनको गोली मार के हत्या कर दी। साथ में कुछ पर्चा फेंका है उन्होंने। यहाँ इस इलाके में अभी तक कोई बहुत मतलब जो है सिद्धू कोड़ा के मृत्यु के बाद से कोई ऐसा नक्सली संगठन की सूचना प्राप्त नहीं हो रही। इधर चंपारण से नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आखिर 1 साल बाद प्राथमिकी दर्ज होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने थाने में आवेदन देकर 6 लोगों को आरोपित किया है। दुष्कर्मी ने दुष्कर्म की घटना के बाद गुप्तांग पर चाकू से अपना नाम लिख दिया। हैवानियत भरी यह घटना पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर से सामने आ रही है। रामनगर थाने में 1 साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह ऐसा मामला है जिसमें दुष्कर्मी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता के गुप्तांग पर अपना नाम लिख दिया और हैरत में डालने वाली यह शर्मनाक घटना का प्राथमिकी आखिर 1 साल बाद थाने में दर्ज किया गया। अभी इसमें जांच की जा रही है और अभी तक के अनुसंधान से पता चला है कि अभियुक्त लड़का और लड़की में प्रेम संबंध था, उसी को लेकर के ये दोनों तरफ से बात नहीं बन पाई तो ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चंपारण में गंडक नदी में फिर से नौका हादसा की खबर सामने आई है। तेज धारा में करीब 15 लोग लापता हो गए हैं, हालांकि इस दौरान 5 लोग तैरकर बच सके। लापता लोगों के घरों में कोहराम मच गया। घटना के बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। खबर पश्चिम चंपारण जिला से आई है, जहां चंपारण जिले के बगहा नगर परिषद क्षेत्र के गंडक नदी में दीनदयाल घाट पर यह हादसा हुई। गंडक पार दियारा में खेती देखने एवं चारा लाने जा रहे थे सभी लोग। आपको बता दें कि नौका हादसा के बाद तेज धारा में कई लोग बह गए, इनमें 5 ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि 15 लोग तत्काल लापता बताए जाने लगे। मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य को आज बंधक बना लिया। लॉकडाउन के दौरान का मेंटेनेंस फी लेने से छात्र नाराज हो गए थे। गुस्साए छात्रों ने यहां शाम में मेन गेट को भी बंद कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्रों को समझाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। गायघाट थाना क्षेत्र से एक नशेड़ी डीलर को गायघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि हंगामा करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई और आखिरकार नशेड़ी डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। BRA बिहार विश्वविद्यालय की BED प्रथम वर्ष की परीक्षा आज विधिवत सम्पन्न हो गई। आपको बता दें कि BRA बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां BED प्रथम वर्ष की परीक्षा कदाचार मुक्त कराया गया। 27 अगस्त को 2 पालियों में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इधर गायघाट में PSC में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की सफलता को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक की गई। इस दौरान प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर PSC गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। चिकित्सकों के साथ फाइलेरिया रोग के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए नोडल पदाधिकारी PSC गुप्ता ने बताया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अलावा यह दवा सभी को खिलाना जरूरी है। मोतिहारी में चीनी मिल चालू करने एवं बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अनिकेत रंजन ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से बेची गई मिल के जमीन की राशि कहाँ है, इसका भी पता चलना चाहिए। जमुई के मलयपुर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत की घटना सामने आई है। एक मजदूर इस हादसे में जख्मी भी हो गया है, जिसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलयपुर पुलिस लाइन के बगल की यह घटना है, जहां स्टोर में कार्य करने के दौरान यह हादसा हुआ।
रणधीर सर के पास जो है ना, हम लोग को जो एपीएम है वहीं काम कर रहे थे। क्या हुआ? हम लोग को जो है ना भेजा था जो है ना नापने के लिए एलटी से। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर कितना हाइट पर रहता है वही नापने के लिए टेप से गए थे सर। ट्रांसफार्मर चालू था उसी में हम लोग को दोनों को मार दिया सर। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम दोनों थका गए, बेहोश हो गए सर। ठीक, फिर उठा के हम लोग को जमीन लगा। तो यहाँ डॉक्टर क्या बोला यहाँ जब लाए सदर अस्पताल? तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, एक तो आपको भी, आपको भी लगाया करंट? हाँ,